वेलकम दोस्तों, सभी का इस कानून की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपके नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं आज बात करूँगा एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आजकल आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने पावर का या कोई अधिकारी अपने पावर का गलत यूज करता है तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हो, क्या उसकी शिकायत कर सकते हो, आप इस वीडियो से जानेंगे। मान लो दोस्तों अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला हो या कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी हो, अगर अपने पावर का गलत यूज करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। मान लो अगर आपकी गाड़ी 207 हेलमेट में जब्त कर ली, अगर आपके पास हर डॉक्यूमेंट्स, हेलमेट्स, आरसी, इंश्योरेंस सब कुछ होने के बाद भी पुलिस या ट्रैफिक पुलिस वाले आप पे उनके पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनके खिलाफ शिकायत, उनके जो ऊपर वाले जो अधिकारी उनके पास आप शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पावर का गलत यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इस कानून के तहत संविधान और कानून में स्पष्ट लिखा गया है कोई भी व्यक्ति अपने पावर का गलत यूज करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मान लो आप कहीं भी किसी इमरजेंसी काम के वजह से आप कहीं जा रहे हो, वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई भी नाकाबंदी है, पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है, उसका उनका अधिकार है, वो भी कानून से बंधे हुए हैं, वह आपकी पूछताछ कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके पास सारी चीजें होने के बावजूद रिश्वत मांगे तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने वोटर लिंक 1988 में, भारत सरकार ने भी हाल ही में 2019 में डिजिटल लॉकर को मान्यता दी है। डिजिटल लॉकर में आप अपने फोन में वो डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। डिजिटल लॉकर एक ऐप्स आता है, प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति गुम होने के डर से अपने पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते और वो पुलिस वालों के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा आपके पास आरसी है तो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो आरसी नहीं है, ये सारी चीज़ें आप जल्दबाजी में आप घर पर भूल जाते हो। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप एक डिजिटल लॉकर बनाइए, प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कीजिए और डिजिटल लॉकर में आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, उनको लगाइए, उनको उसमें रखिए, जिससे आप हर जुर्माने से बच सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस वाले उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो भी उनके कानून की पालना करते हैं और वो अपने अपने भविष्य के लिए वो हर प्रकार से आपके सुरक्षा के लिए रखते हैं और उनकी ड्यूटी है चेक करने की। अगर आपके पास इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप हेलमेट नहीं लगा रहे तो वह आपके खिलाफ चालान पेश कर सकते, क्योंकि आपको हर चीज रखनी पड़ेगी, हर चीज आपके साथ रखनी पड़ेगी और जो भी गवर्नमेंट के कर्मचारी उनकी ड्यूटी है पालना करना उनका काम है। अगर आप इस प्रकार के उनके कानूनों को फॉलो नहीं करोगे तो आपके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं और आपके खिलाफ 207 एक्ट में जुर्माना भी कर सकते हैं और आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास रहना चाहिए। अगर आपके पास हर चीज रहती है तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके पावर का अगर गलत यूज करता है तो आप उनके जो नाम प्लेट, उनको नाम पढ़ लीजिए, देख लीजिए, उनके खिलाफ आप कंप्लेन ईमेल के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं, बाय हैंड भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए कोई भी अगर इस प्रकार कोई भी अधिकारी पुलिस आपके खिलाफ उनके पावर का गलत यूज करती है तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर कुछ आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं।